जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में दो नकली नोटों के सौदागर चढ़े पामगढ़ पुलिस के हत्थे। बताया जा रहा है कि मुखबिर से सूचना मिली कि बस स्टैंड मेऊ भाटा थाना पामगढ़ के पास वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर निवासी भिलौनी नकली नोट रखकर खपाने के लिए घूम रहा है। सूचना पर गवाहों को साथ लेकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही दौरान मौके पर वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर उम्र 38 वर्ष निवासी भिलौनी मिला, जिससे पूछताछ करने पर उसके कब्जे से विभिन्न सीरीज के 500 रुपए नकली नोट, 14,000 रुपए मोबाइल रेड में कंपनी का तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG11AH5861 को जब्त कर पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। अपने साथी राम सागर बंजारे उम्र 36 वर्ष निवासी डोंगा को हरोद के साथ मिलकर अपने अपने घर में 500 रुपए के नकली नोट छाप कर बाजार में खपाना बताया। दिनांक 9/4/2023 को मुखबिर से सूचना मिला कि भिलौनी निवासी वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर 500 रुपए के नकली नोट रखकर मेऊ भाटा बस स्टैंड के पास खपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर थाना पामगढ़ स्टाफ द्वारा तत्काल रेड कार्रवाई किया गया। मौके पर वृंदा उर्फ संजू रत्नाकर मिला, जिसके कब्जे से कुल 14,500 के नकली नोट व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक मोबाइल रेडमी कंपनी का जब्त कर आरोपी वृंदा से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया। मेमोरेंडम कथन में उनके द्वारा बताया गया कि अपने साथी राम सागर बंजारे डोंगा करोद निवासी के साथ मिलकर अपने अपने घर में बारी बारी से 500 के नकली नोट छपाई कर उसे बाजार में खपाने का प्रयास करते थे। आरोपी वृंदा के कब्जे से कुल 1,24,500 रुपए, घटना में प्रयुक्त पैशन हीरो कंपनी का पैशन मोटरसाइकिल, एक नग रेडमी कंपनी का मोबाइल तथा आरोपी राम सागर बंजारे के कब्जे से 48,000 रुपए, 500 के नकली नोट, कुल 345 नकली नोट, जुमला कीमती 1,72,500 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक कलर प्रिंटर व एक नग मोबाइल फोन को विधिवत जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध धारा सदर का धारा 489 का ख ग 34 भादवी का पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।